हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्तीज़ किचन। फ्रेंड्स, आज सैंडविच का हमारा डे 4 है और आज हमने बनाया है स्पाइसी चना सैंडविच। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 4 खड़ी लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला है। ये हम लाल चटनी बना रहे हैं फ्रेंड्स। पहले चटनी बनाएंगे, फिर हम सैंडविच बनाएंगे। तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है इसका कलर चेंज होते तक के। तो ये देखिए, मैंने धीमी आंच पे इसे रोस्ट कर लिया है। अब मैं चटनी के लिए यहाँ लहसुन लूँगी और ये जो हमने भूना था ना मिर्ची और धनिया, उसे हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है चटनी। ये देखिए, ये पीस कर बिल्कुल तैयार है। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब जो हम सैंडविच चटनी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें रेड चटनी में थोड़ा एडिशन करना पड़ता है। तो इसमें मैं थोड़ा ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला। ये दोनों डालने से ये सैंडविच के लिए चटनी बिल्कुल रेडी हो जाती है। और अगर आप ऐसे ही इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो पराठे चावल के साथ आप ये रेड चटनी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर सैंडविच में आपको यूज़ करना है तो इसमें ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये चटनी हमारी रेडी है। अब हम स्टफिंग कर लेते हैं सैंडविच के लिए। तो मैंने यहाँ पे काबुली चना लिया है, जिसे मैंने रात भर भिगोया था, सुबह बॉईल कर लिया था 4 सीटी। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे, पूरा मैश नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे दबा लेंगे। तो ये मैंने इसे मैश कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक। मैंने यहाँ पे 3 गार्लिक को ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और ये मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच मेयोनीज़ का लिया है। मेयोनीज़ ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालना है हमें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। ये मैंने बारीक कटा हुआ अनियन इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़े टमाटर। टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे और इसे कट कर लिया था। साथ ही में हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इसमें। और हम लास्ट में डालेंगे इसमें चाट मसाला थोड़ा सा और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो चने की स्टफिंग है ना, वो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स सैंडविच में जाने के लिए। तो अब हम लेंगे यहाँ पे ब्रेड स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, जिसमें हमें पहले बटर स्प्रेड करना है अच्छे से। मैंने दोनों ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से बटर स्प्रेड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे सॉस। ये मैंने टोमेटो केचप थोड़ा थोड़ा डाल दिया है दोनों स्लाइस पे। साथ ही में हम थोड़ी थोड़ी लाल चटनी डाल देंगे, जो हमने रेड सैंडविच चटनी बनाई थी ना, वो इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें हम लेंगे थोड़ी सी मेयोनीज़, थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ लेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। अगर आप खाली लाल चटनी लगाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा तीखी हो जाएगी, तो आप ये मेयोनीज़ और टोमेटो केचप भी इसमें लगा दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा, टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। तो हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पूरे ब्रेड में। अब हम डालेंगे अपनी चने वाली स्टफिंग। ये हमने चने की स्टफिंग डाल दी है और इसे अच्छे से पूरे ब्रेड में स्प्रेड कर देंगे। अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसके जगह प्रॉन ब्रेड यूज़ कर लीजिए। तो ये हमने चने की स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड कर दी है, दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे।
बस ये अच्छे से असेंबल हो गया है। अब इसे हम सेकेंगे, आप चाहे ग्रिल करें या तवे पे सेक लीजिए। तो मैंने इसमें अच्छे से बटर लगा दिया है। बटर लगा के मैं दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आते तक इसे पलट पलट के सेक लूँगी। इसे अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए हम सेक लेंगे ताकि अच्छा कलर आ जाए नीचे से इसका। इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सेक लेंगे। बस हमारी जो सैंडविच है वो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो आप इसे इंजॉय करिए, ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए।